स्टैट्स आए थे और उसके ऊपर ये था कि यार पास्ट 9 मंथ में कोई 74 बिलियन रुपीज़ की सेल हुई है ई कॉमर्स, फैशन ई कॉमर्स के अंदर। सालिक ने भी एग्जैक्टली वही बात की, वकास भी एग्जैक्टली वही बात करें, पाकिस्तान में इस वक्त किसी के पास ई कॉमर्स इज़ नॉट अ रेगुलेटेड इंडस्ट्री, तो किसी क्योंकि फार्मास्यूटिकल थोड़ी कि हम आपको बता सकते हैं इस ब्रांड का इतना परसेंटेज शेयर है। जब ये सुनने को मिला कि भाई उसने सबसे पहले किया, तो उस वक्त हम अपना मतलब ऑफ टोटल ई कॉमर्स की डिलीवरीज का अराउंड कोई 18% तक, 15-18% तक ओमनी पे ले आए थे। 26 जून को हमने ओमनी स्टार्ट किया था। सो स्टार्ट हमने उस दिन किया जब पहला स्टोर में लाइव किया था, बट आई बिलीव, आई डोंट नो, अब थोड़ी देर बाद चल जाएगा, आई बिलीव वी वर द फर्स्ट वंस जिन्होंने 100% ओमनी कर लिया। खैर हम तो अब उससे काफ़ी आगे निकल गए हैं कि जहाँ पे पहले आज से अगर 7 साल पहले 6 साल पहले आप जाएँ तो ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन का एक कॉन्सेप्ट होता था, अब वो वर्सेस तो खत्म हो गया है। ठीक है, एटलीस्ट आई फील के एट माय ऑर्गेनाइजेशन इट्स दोस्तों, मैं अजरमत काजी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लोकल ई-कॉमर्स पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट से ज्यादा डिस्कशन होने वाली है क्योंकि तमाम टॉप 5 ब्रांड्स मैंने उठा के इस टेबल पे बिठा दिए हैं। हमारे पास है वकास जेलवरी को इस वक्त कर रहे हैं हेड ई-कॉमर्स को, और मेरे साथ हैं पाकिस्तान के सबसे पहले चीफ ई कॉमर्स ऑफिसर राजा नवीद, पास फ्रॉम खाड़ी, करंटली नाउ इन कैम्ब्रिज एंड जीन, एंड देन सालिक फ्रॉम जे डॉट और सालिक, ये दोनों नाम जो है ना इस वक्त सिनोनिम हो चुके हैं। अगर आप जे डॉट का नाम लें तो सालिक आएगा, सालिक का लें तो जे डॉट आएगा। और मैं इस वक्त फैशन रिटेल में नहीं हूँ, मैं आई एम नाउ एसोसिएटेड इन मल्टी फॉर्म, और इससे पहले गुलेमत के साथ मैं एसोसिएटेड था। तो वी वॉन्टेड टू हैव अ डिस्कशन बिकॉज राइट नाउ हमने देखा एक स्टैट्स आए थे और उसके ऊपर ये था कि यार पास्ट 9 मंथ में कोई 74 बिलियन रुपीज़ की सेल हुई है ई कॉमर्स, फैशन ई कॉमर्स के अंदर। तो मेरा ख्याल है आप लोग जितने भी बैठे हैं आप लोगों को ज़्यादा आइडिया होगा कि भाई अगर हम टॉप 5 ब्रांड ही उठा लें तो शायद इससे भी ज़्यादा की सेल या एटलीस्ट 60-80% तो इन्हीं ब्रांड्स की होगी। क्या लगता है सालिक? बिल्कुल ऐसे ही है कि सेल तो है, ठीक है, और ये असल में प्रॉब्लम ये होता है, हमें एक चीज़ ये थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि यार नंबर्स आ कहाँ से, कौन कोट कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि यार जिसके पास कहीं से भी थोड़ा सा वो सिमिलर वेब आ जाता है, वो पेड टू लेता है और थोड़ी सी वो बस ट्राई करता है, ट्रैफिक देखता है और बोलता है अच्छा यार इतना, लेट्स से फॉर एग्जांपल रेवेन्यू है, और वो लिंक्डइन पे डाल देता है। अपनी वेबसाइट के स्टैट्स देखो एनालिटिक्स में एंड देन सिमिलर वेब के देखो तो भाई कभी भी मैच नहीं, जमीन आसमान का फर्क, और आवाम उसी पे मैच करी होती है। कभी आप कहीं पे चले जाएं इंटरव्यू के लिए चले जाएं तो आपको बताते हैं यार आपकी ट्रैफिक तो ये। अच्छा अच्छा, मजे की बात ये है कि पोस्ट भी वो लोग कर रहे होते हैं जिनका कोई लेना देना भी है, मतलब जिनको पता ही नहीं है। एग्जैक्टली यार, वो टॉप 5 ई-कॉमर्स ब्रांडर से स्टैटिस्टा के नंबर्स पता नहीं उसने वो कोट कर दिया। मैं देख रहा था, मैंने कहा यार जिंदगी में इतने नंबर तो ग्लैमर उसमें, अच्छा उसमें एक ब्रांड था, मैंने कहा यार ये अगर ये ब्रांड ना होता चलो फिर भी मैं ये मान लेता कि ये नंबर सही है। वो कौन सा ब्रांड था? बस ये नाम नहीं ले सकते। आकाश तुम्हें याद है? यार ब्रांड्स के मैं थोड़ा शुरू की दूसरे हेड पार्ट थे, मेरा ब्रांड वहां मेंशन ही नहीं था ना, सो वी आर वन ऑफ दोस हंबल पीपल जिनका ब्रांड लिस्ट में होता नहीं, उन्होंने तो अच्छी बात है कि कंट्रोवर्सी का पार्टी में किसी ने पूछा नहीं, दैट्स व्हाट आई थॉट। बट अगेन फॉर मी द क्वेश्चन वाज के व्हाई आर वी नॉट पार्ट ऑफ दिस। एग्जैक्टली, आई एम श्योर आप लोग के साथ ये हो रहा था कि यार आपका ब्रांड का नाम कैसे आ गया, हु डिड यू अलाउ दिस, सो इट इज थोड़ा सा डिफरेंट इट वाज लाइक व्हाई आर वी नॉट पार्ट ऑफ दिस, सो इट्स अ डिफरेंट साइड ऑफ स्टोरी। अच्छा लेकिन कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करता ना राजा, किसी ने बोला कि भाई ये गलत है? मेरी बात हुई थी उन साहब से, लॉट ऑफ पीपल ऑब्जेक्टेड, आप बता सही क्या है, इट्स नॉट के सही क्या, व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड दिस, एग्जैक्टली, सो वो अचीव करने का मकसद क्या था, उसके पीछे कोई इनसाइट थी, क्या नंबर था। अगेन और सिमिलर वेब की अगर बात करते हैं, सिमिलर वेब के नंबर्स बहुत ज्यादा एस्टिमेटेड गेसेस के ऊपर बेस्ड होते हैं। आप उसका रेफर ट्रैफिक देख लो, आपको बता रहा है कि पेड कीवर्ड्स क्या है, बस अगर इतना आसान होता तो मतलब फिर जरूरत ही क्या थी, जरूरत ही क्या, मेहनत ही क्यों कर रहे हैं, कन्वर्जन रेट के एस्टीमेट कोई भी करके स्टार्ट कर सकता है, कोई भी जेड ऑर्डर। आई थिंक सालिक ने भी एग्जैक्टली वही बात की, वकास भी एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त किसी के पास ई कॉमर्स इज नॉट अ रेगुलेटेड इंडस्ट्री, तो किसी क्योंकि फार्मास्यूटिकल थोड़ी कि हम आपको बता सकते हैं इस ब्रांड का इतना परसेंटेज शेयर है, किसी के पास कोई एक्यूरेट नंबर नहीं है, दीज आर ऑल एस्टिमेट्स, गेस्टिमेट्स एंड मोस्टली गेसेस। सो कोई बंदा अगर ये कहे बैठ के, अगेन सिमिलर वेब हो, एलेक्सा हो, जो भी कोई टूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू आप लोग कॉरिलेशन बिटवीन द परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं, बट यू कांट से कि यार जी डॉट का इतना है, खाड़ी का इतना है, सफायर का इतना है, there is no way
और अच्छा मैंने ये देखा कि अवाम कोट करने लगे, अवाम गुल अहमद का सबसे बड़ा था तो मुझे कोट करने लगे, हाँ हैदर वेल डन ये वो, अच्छा मैं अब गुल अहमद का पार्ट भी नहीं हूँ भाई, मुझे क्या लेना देना है या नहीं है, लेकिन मुझे कोट करें, लेकिन इतना मुझे पता था भाई ये नहीं है, तो अब कैसे समझाए नहीं है भाई मैंने इन दी एंड कहा चलो ठीक है सही है थैंक यू वेरी मच, लेकिन लेकिन ये कि अच्छा अगर इस तरह से नहीं है कोई, वही वाली बात है राजा कि कोई ऐसी अगर अथॉरिटी नहीं है जो ये बता सके तो फिर तो इस तरह के ही नंबर्स मार्केट में फ्लोट करेंगे ना, ऐसा ही है, देखिए कोई मसला नहीं आने देना क्या होगा, वो सारे ने कहा ना जिस और नंबर्स भी वो लाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं, और बस ठीक है तो हम भी बोलते हैं ग्राफ भी बड़े खूबसूरत बना के देते हैं, मैं देखा था बड़े खूबसूरत खूबसूरत ग्राफ होते हैं खूबसूरती से, नंबर नहीं है किसी के पास भी, अच्छा यार वैसे मजे की बात है अगर हम खुद भी बैठे हुए हमें हमें आपस में खुद एक दूसरे के नंबर्स नहीं पता, और मैंने वैसे याद है एक दफा ग्रुप पे शेयर करने की कोशिश की एंड आई थिंक राजा वाज द वन जिसने खुले दिल से कहा हाँ भाई ये नंबर है, और उसने मेरे ख्याल मैनेजमेंट से पूछ के बाकी कोई भी नहीं बता रहा था, किसी ने भी नहीं बताया, और किसी ने बताया किसी ने सही बताया किसी ने नहीं बताया, लेकिन मेरे ख्याल हमें आपस में नहीं पता कि क्या नंबर्स हैं, तो भाई वो थर्ड पार्टी, मैं बड़ा इसका एक वजह सॉरी आपकी माफी चाहता आपकी बात कट गई साले, इसकी बड़ी एक बड़ी क्लियर वजह है, द रीजन बीइंग इज ऑन मल्टीपल फोरम लाइक एक रिटेल एसोसिएशन है, एक चेन ऑफ स्टोर्स एसोसिएशन एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल ऑफ द लीडरशिप कमेटी जो होती है ना, जो फैमिलीज होती हैं या द ओनर्स एंड द सीईओज, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड, राइट, आई कांट मेंशन द नेम बट वन ऑफ द यू नो people I've worked with, so I said yaar ke he came to me and he said in the morning meeting yaar us brand ka itna number hai hum piche hain, main kaha yaar ek second where did you get this number from, so yaar hello aur speaker is conversation kar hi na aur speaker ne ke yaar ye dekhiye number ye keh raha hai, maine kaha acha to aapne jawab mein kya number bataya, maine to usse ye bola to maine kaha aapke khayal se wo aapko sach bol raha hoga, how can you absolutely acha ye dar why would tell me actual number, ye jo takleef hai na ki raja aur main bahut zyada feel kar sakte hain because ye to and fro hamara hi chal raha hota tha, ek ne ye bataya usne ye bataya kabhi main samajh raha hu kabhi raja samajh raha hu, honestly sahi hai usne kaha yaar uske acha main ek example leta hu, let's suppose chalo aaj ye dard chhed diya to batata hu, हमने कोई ओमनी चैनल 6 से 7 महीने हो गए स्टार्ट किया हुआ है और हमने ओमनी चैनल से डिलीवरीज करना स्टार्ट कर दी है, ओमनी चैनल हमारा बन चुका है तकरीबन 18% ऑफ द टोटल ई कॉमर्स डिलीवरी, सही है, और ऑल ऑफ दैट सडन आके एक दिन सुनने को मिलता है यार ई कॉमर्स का ओमनी चैनल तो उस ब्रांड ने स्टार्ट किया, ही इज द पायनियर, मैंने कहा सर कहा, वो कहते हम यहाँ साहब इकट्ठे बैठे हुए थे उसने सबके सामने बोले, आई वॉज लाइक कौन सा ब्रांड के साथ बैठा बताना मुझे बताओ ओमनी चैनल कब स्टार्ट किया, आई एम रिप्रेजेंटिंग माय ओन सेल्फ हियर एंड आई एम पार्ट ऑफ कैम्ब्रिज, सो आप पता नहीं किस ब्रांड की बात कर रहे हैं, तो 2019 के फेब में मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने स्टार्ट किया ये, और मैं बता रहा हूँ ना कि जब ये सुनने को मिला कि भाई उसने सबसे पहले किया तो उस वक्त हम अपना मतलब आउट ऑफ टोटल ई कॉमर्स की डिलीवरीज का अराउंड कोई 18% तक 15-18% तक ओमनी पे ले आए थे, सही है, और ऐसा भी नहीं कि पूरी शॉप्स थी, वो जो मेन शॉप्स थी उनको ले आए थे, सो आई विल जस्ट टेक माय नेम ऑफ द माय नेम ऑफ द टेबल बिकॉज़ सो वी स्टार्टेड 2021 26 जून को हमने ओमनी स्टार्ट किया, ओके सो स्टार्ट हमने उस दिन किया जब पहला स्टोर में लाइव किया था, बट आई बिलीव आई डोंट नो अब थोड़ी देर बाद चल जाएगा, आई बिलीव वी वर द फर्स्ट वंस जिन्होंने 100% ओमनी कर लिया, ओके सो वी डोंट हैव अ सिंगल वेयरहाउस, नहीं वकासो के लिए क्या रीजन थी क्यों इस 100% ओमनी पे क्यों, so one prime reason is jo inventories number one because there's a very big fight behind the scenes ke brand retail ko kitni mili chain inventory and e-commerce ko kitni, yaar ye ladai to mere khayal aapko har brand ladai thi har brand chalo tumhe us brand mein abhi bhi hai, acha abhi bhi hai, more on that later I think wo continue karte hain, pehle hum baat, yeah absolutely I think omni ka vikas ne bilkul apne ब्रांड को तो वो ऑफ लेकर आई थिंक पाकिस्तान में कोई ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि किसने पहले स्टार्ट किया, बिकॉज कच्चा पक्का छोटा मोटा किसी ने कुछ ना कुछ सब ने रगड़ के घसीट के कहीं ना कहीं तक पहुंचने की कोशिश की, दैट्स हाउ इंडस्ट्री है, दैट्स हाउ इंडस्ट्री इवॉल्व्स और उसको वो इसी तरह लर्न करती है, और उसमें वही बात है कि लाइक राजा सेड कि यार किसने स्टार्ट किया इट डजंट मैटर, लेकिन द करंट चैलेंजेस जिस इंडस्ट्री में हम है
तो उसके ओमनी की क्या इस वक्त चैलेंजेस हैं, वो अगर डू वी हैव राइट टेक्नोलॉजी फॉर ओमनी, डू वी हैव राइट लॉजिस्टिक पार्टनर्स, ठीक है, जो कि बड़े दो मेन क्वेश्चंस ही हैं। एंड जो एक और बड़ा सवाल जो इसमें आता है ना, कि जो आज से तकरीबन अगर मैं 4-5 साल पहले जाऊँ तो मैंने किसी से ओमनी चैनल जब डिस्कशन हुई थी, उसने एक बड़ी अच्छी बात की थी, दे वर बेसिकली इम्प्लीमेंटर ऑफ ओमनी चैनल्स और वो उनके ग्लोबल पार्टनर्स और ग्लोबल क्लाइंट्स थे बेसिकली। सो उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि यार ओमनी चैनल टेक्नोलॉजी से ज्यादा है ना वो माइंडसेट का वो है, मतलब एक गेम है, ठीक है। सो इट्स खैर हम तो अब उससे काफी आगे निकल गए हैं कि जहां पे पहले आज से अगर 7 साल पहले 6 साल पहले आप जाएं तो ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन का एक कॉन्सेप्ट होता था, अब वो वर्सेस तो खत्म हो गया है, ठीक है। एटलीस्ट आई फील के एट माय ऑर्गेनाइजेशन इट्स नॉट देयर, ठीक है। वहां आप लोग शायद मेरे ख्याल से अभी जैसे फॉर एग्जांपल राजा यू कैन आल्सो वाउच देयर कि आप उधर गए हो, तो वो वाला चीज खत्म हो गई है। नाउ बोथ ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, और मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ कि इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, शुड बी हाइब्रिड मॉडल, एग्जैक्टली द हाइब्रिड मॉडल। तो इसी तरीके से बिकॉज एट द एंड इट्स द कस्टमर ऑफ दैट ब्रांड, ठीक है, और उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उसने ऑनलाइन लिया या ऑफलाइन लिया, उसको ये फर्क पड़ता है कि उसने इस ब्रांड से लिया, ठीक है, व्हाट एवर द ब्रांड इट इज, ठीक है, तो इससे लिया। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये, एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक आई विल सेकंड दैट, इट्स डजंट रियली मैटर किसने पहले किया। I think to me that's more like war of egos. So let's put that aside. For us, I would rather say ki yaar kaun exactly kaun sahi kar raha hai, kaun sahi kar raha hai, kaun behtar kar raha hai, kaun usko optimize kar raha hai. Again, resources, talents, technology, everything. What precisely do we have to be able to deliver that correctly? So that is the most important part. Second thing is, abhi tak, you know. जो मेरी नजरों के सामने से गुजरा है, ब्रांड्स, कुछ ब्रांड्स आज भी, क्योंकि हम तो चलो टॉप 5 टॉप व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, आज भी बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे जो इस जंग में फंसे हुए कि यार सेल ऑनलाइन के ऊपर पार्क होगी या रिटेल के ऊपर पार्क होगी, दैट इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट बैटल्स दैट वी हैड टू गो थ्रू। सो मेरा वही पॉइंट किसको मिलेगा, मेरा जो पॉइंट था ना वो ये किसको मिलेगा, कि वो जो माइंडसेट, एब्सोल्युटली माइंड, वो असल में है ये, वंस यू अनलॉक दिस तो फिर तो देन देयर इज लाइक नो लिमिटेशंस। इसमें एक चीज़ मैटर है, एक और बड़ा चैलेंज है, सो देयर इज ओमनी एंड देयर इज बट आई लाइक टू कॉल कि ट्रू ओमनी। सो ओमनी बाय डेफिनेशन क्या है, उससे पहले थोड़ा बात कर रहे थे, सो ओमनी बाय डेफिनेशन अगर आप देखें ना, दैट इज अबाउट डिलीवरिंग द सेम एक्सपीरियंस एट एवरी फ्रंट, ऑनलाइन ऑफलाइन, मोबाइल, वेबसाइट, कस्टमर सर्विस, तो हर एंगल से ओमनी है। सो ओमनी की अगर मुझसे पूछे कि किसी ने ओमनी के, तो आई पुट इट आउट देयर कि नो वन हैज डन ओमनी ट्रू ओमनी। एग्जैक्टली सर, अगर मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद थैली लेने के लिए उससे ब्रांड की डाल के गिफ्ट देना पड़ रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल। आई रिमेंबर कि वन टाइम आई हैड टू ऑर्डर, तो मेरी वाइफ की दो कजन्स आई हुई थी, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, ऑन ऑर्डर तो कर दिया, अब दोनों को अलग अलग देना था कि बेटा मतलब थैली कहाँ से ला। So then I had to go in store. Yeah. And again, this is the definition of omni. Yes. कि मैंने सोचना भी, मैंने online order किया, मैंने bag एक को मैंने थैली देनी थी, एक को मैंने दूसरा देना था, तो दो shoppers में अलग आ रहे थे, shopper साथ आ रहे थे, shopper में डल के आ रहा था, boxes आ रहे थे। This is the basic definition of omni. Yes. दुकान में loyalty points से online नहीं मिलते सर। अच्छा पता है ये what I feel, क्योंकि मैं ना internationally काफी shop करता हूँ, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर कोई दोस्त होता है यूएस में है, कोई यूएई में है, अभी जैसे एक दोस्त है वो लक्ज़मबर्ग में होता है, सो ही वाज कमिंग टू कराची, तो मैंने कहा मुझे ज़ारा से चीज़ें चाहिए थी तो मैंने मंगवाई। वो अनदर थिंग दैट आई फील कि हम है ना पाकिस्तान का जो रिटेल है और ई कॉमर्स कहीं ना कहीं ना हम थोड़ा सा डीग्रेड भी कर रहे होते हैं। बट फ्रेंकली स्पीकिंग मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट 3 मंथ्स के अंदर नाइकी, ज़ारा, ये दो ब्रांड्स में कस्टमर सपोर्ट पे कॉन्टेक्ट किया सर। ओके। एंड आई फाइंड इतना डिलेड रिस्पॉन्स, यानी कि नाइकी से तो मुझे कोई एक हफ्ते बाद रिस्पॉन्स आया, ठीक है, नाइकी कैनेडा, ठीक है, मैं उधर कैनेडा के प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। यस यस, नाइकी कैनेडा से। और वो मुझे, मैंने कहा यार मुझे एक हफ्ते बाद जब आप दे रहे हो, वो सेल खत्म हो गई, मुझे तो लेना था वो भाई टिपिकल। मैंने कहा हम तो कहाँ खड़े हैं। एंड आई फ्रेंकली फिर अच्छा, वो मैंने ज़ारा से ऑर्डर किया था, वो लक्ज़मबर्ग में उसको डिलीवरी करनी थी, सो आई फाउंड वहाँ पे मुझे ईमेल आती है कि योर पार्सल इज ऑन वे, ठीक है। मैंने अपने दोस्त को ईमेल स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने कहा यार वो पार्सल आने वाला है। एंड थोड़ी देर बाद वो ईमेल आती है कि देयर वाजंट एनीवन, और इस तरीके से जिस तरह हम यहाँ पे नॉर्मली आता है, ही सेड कि नहीं यार देसी टच दिया उन्होंने। हाँ देसी टच दिया, अब ये लक्ज़मबर्ग में थी। हाँ, हम तो आए थे, आप थे नहीं साले घर में। एंड देन ही सेड कि यार यहाँ पे है ना
वहां पे यूरोप के अंदर स्पेशली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि चलो ठीक है यूएस के अंदर तो एक अलग ही और अलग लेवल है सर्विस, लेकिन यूरोप के अंदर लग्जमबर्ग में ज़ारा की बोले यार उसका जो अच्छा कोरियर वाज ऑब्वियसली थर्ड पार्टी 3PL बट उसने फिर दूसरे दिन फिर वही डिलीवरी की और दूसरे दिन जाके वो भी कहीं उनके जो नियरेस्ट पॉइंट थे वहां पे उसने ड्रॉप किया एंड माई फ्रेंड हैज टू गो एंड देन कलेक्ट इट वाज अ पेड ऑर्डर पाकिस्तान के अंदर जो सर्विस लेवल है ना वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आप मतलब बार्बर के पास जाओगे ना और उसने जैसे बाल काटे ना आप उसको ये नहीं बोल सकते यार ये सही नहीं है, यही है, दिस इज व्हाट इट इज। एंड आई फेल्ट कि यार हम कहीं ना कहीं ना शायद बहुत ही डिग्रेड कर रहे होते हैं, डाउनप्ले कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये मसले हैं मसले, लेकिन वो दूसरे मसले, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिटेल वी आर डूइंग वेरी गुड, यस देयर इज मच रूम फॉर इंप्रूवमेंट और उसको ऑब्वियसली ओवर द टाइम हम लोग उसको कैटर कर रहे हैं, हर प्रोफेशन चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन वो अपने तरीके से कर रहा है, हम डिलीवरी जिस तरीके से दे रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट जिस तरीके से दे रहे हैं, हर मेरे घर ऑलमोस्ट 12 घंटे 24/7 तो कस्टमर सपोर्ट है, आप इंटरनेशनल जितने भी ब्रांड्स को देखो कोई मेरे घर से नहीं है, सैटरडे को ऑफ है, एक सर्टेन टाइम के अंदर आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आप अभी ट्राई कर लो, मैंने तो ट्राई किया है मेरे अपने पर्सनल आई हैव लाइक प्रूव्स के यार मेरे पास एक हफ्ते बाद जवाब आया। I'm not sure, but लाहौर में तो कोई ब्रांड भी 6 बजे के बाद CS नहीं ऑन है। I don't know. नहीं है भाई, मास्टर मल्टीफॉर्म है, क्या हो गया? अच्छा बात सुनो, वो फैशन ब्रांड की बात है। तो मैं डिलीवरी की बात की वैसे ना, तो ये सफायर हो गया यार, सफायर हाँ ऑफिसर्स भी है मेरे घर से। डिलीवरी की बात की तो मैं ये बड़ा एक जो है ना क्वेश्चन मैं रेज करना चाहूंगा यहाँ पे कि आर यू हैप्पी विद द डिलीवरी पार्टनर्स करेंटली राइट नाउ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ब्रांड्स अपने खुद के डिलीवरी जो है फ्लीट्स अब वो बना रहे हैं, जी एक्सप्रेस है जैसे ठीक है और गुलामत में भी उस तरह से हो रहा है आई एम श्योर इन द वर्ड ऑफ आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्युटली नॉट, तो बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्या रीजन है, क्या वजह है? सो देयर आर मल्टीपल रीजंस, नंबर वन द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू हैव और द काइंड ऑफ माइंडसेट देयर, सो आई स्टिल कैन नेम टॉप ई-कॉमर्स कोरियर पार्टनर्स जो सिक्योरिटी बिजनेस कर रहे हैं इंक्लूडिंग TCS इंक्लूडिंग लेपर्ड्स इंक्लूडिंग ट्रैक्स, आई हैव वर्क विद almost 6-7 of them, ठीक है ना, so at the same time, so it took us 6-7 months पर समझाने के लिए यार कि आपने काम ऐसे करना है, उनके साथ मीटिंग्स करके उनको समझाने की कोशिश करी एंड येट इट टेक्स देम 6-7 months टू अंडरस्टैंड अच्छा हाँ आप तो ओमनी कर रहे हैं, सो ओमनी करने के बाद उनको बताया पिकअप होगा तो आई एम टेलिंग लेट मी जस्ट गिव एग्जांपल, हमारा अकाउंट मैनेजर है मतलब तो मेरे 40 स्टोर से पिकअप होता है डेली, हमारा ठीक है 40 स्टोर से पिकअप होता है, तो मैंने ठीक है तो कितने बंदे पीछे देख रहे होते, कहते हैं एक अकाउंट मैनेजर है, मैंने डू यू थिंक कि ये 40 स्टोर एक बंदा कैसे कर सकता है, मतलब जी 40 कर सकते हैं, आपका ब्रांड देख रहे हैं, 4 ब्रांड्स और भी देख रहे हैं, सो इमेजिन वो बंदा कहे इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि वो 44 डिफरेंट पिकअप लोकेशन के ऊपर क्रॉस्पॉन्डेंस करेगा अक्रॉस 30 डिफरेंट सिटीज 40 डिफरेंट सिटीज, तो उन्होंने कहा नहीं लेकिन ऐसे ही है, दिस इज वन ऑफ द दोनों जिनका नाम है उनमें से एक कोरियर ब्रांड्स के, एक कोरियर ब्रांड वाले हमारे पास सर ने बोला कि यार हम आपको सब द काइंड ऑफ फंक्शनलिटी भी है, हम कहते हैं कि हम आपको प्रेडिक्ट करके बता देंगे ये ऑर्डर बेस्ड ऑन आपके लास्ट 7-day 2-day रोलिंग एवरेज के ऊपर इस दिन डिलीवर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हैदर ने एक ऑर्डर किया, मैंने बोला कि यार ये ऑर्डर जो है क्योंकि आप कराची से लाहौर जा रहे हैं, कराची से लाहौर जा रहे हैं कौन सा ऑर्डर से जा रहा है, मुझे पता है कि यार ये 1.5 दिन में डिलीवर होना चाहिए, हम राउंड अप करके उसको कहते हैं 2 से 4 दिन, हैदर को मैसेज आएगा 2 से 4 दिन में आएगा सही, और कोरियर को बोलेंगे 2 दिन में कर देने का, आपने ही पिछले 7 दिन के अंदर हर 2 दिन के रोलिंग एवरेज के हिसाब से आपने 2-1.5 दिन में डिलीवर किया तो हो जाएगा, वो कहते हाँ वो तो हो जाएगा बट क्या पता है मुजफ्फराबाद से आ रहा हूँ, यू आर नॉट गेटिंग इट, मैं आपको बता रहा हूँ कराची का पिकअप लाहौर डिलीवरी हाँ पर मुजफ्फराबाद से भी तो आ सकते हैं ना, यू नॉट गेटिंग इट, एग्जैक्ट सेम सिनेरियो, वो आपने कैसे किया ना डिस्कशन, वो कच्चे मदर जाती है हाईवे पर जा रहे कच्चे मदर के ले जाते हैं वो कैसे, और वो कहीं नहीं पहुंचती, फिर वो कहीं नहीं पहुंचती, तो क्या पता इफ्स एंड टू मनी इफ्स एंड बट्स, तो आप ये सोच रहे हैं कि मतलब लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स आर वेरी लो एक्चुअली, सो हम लोग जो है फॉर एग्जांपल लास्ट माइल पार्टनर्स आते कहते हैं हमारा सक्सेस रेशियो 92% है, 1000 ऑर्डर के ऊपर 92% मींस 80 कस्टमर्स आर ग्रंटल्ड, 80 कस्टमर्स आर डिससैटिस्फाइड डिसअपॉइंटेड एंड दे आर ओके विद इट, यार आप 80 देख रहे हैं, ये देखिए मैंने 920 भी तो किए, वी आर टॉकिंग अबाउट दोज 80, सो आई थिंक इट्स जस्ट the way we approach and the way we try to achieve excellence
एंड आई थिंक दैट्स द पीस दैट इज मिसिंग. कुछ हिस्सा आई थिंक ब्रांड्स को भी लेना पड़ेगा. जितना हम लोग हम भी मजबूर हो जाएं व्हाटएवर फॉर व्हाटएवर रीजंस, क्या जितना हम लोग रेट को नीचे लेके, इधर से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इधर से हम लोग रेट को नीचे लेके जा रहे हैं, हर बंदा खेचा तानी में लगा हुआ है. सो यू वुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस दैट लेवल ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी प्रोवाइडर्स. फिर हमारा जो राइडर तबका है, यू नो वी हायर अ सर्टन, यू नो विद फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, वी हायर अ सर्टन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, राइट. वो पान भी खाएगा, वो गुटखा भी थूकेगा, वो सिगरेट भी पिएगा, वो कस्टमर के घर के सामने क्यारी में खड़े होकर उसके सामने थूकेगा, राइट. सो इफ यू हायरिंग दैट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग बिकॉज यू डोंट गेट पेड इनफ फ्रॉम द ब्रांड टू बी एबल टू इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ योर ओन टीम, तो फिर दैट्स द, इट्स द होल इकोसिस्टम दैट हैज टू चेंज. दैट्स व्हाट आई फील. जो कॉस्ट की जो बात की ना, सो दिस ब्रिंग्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि मैं अभी रिसेंटली, बिकॉज ऑब्वियसली द वे इन्फ्लेशन हैज बीन राइजिंग, ठीक है, और जिसमें इकोनॉमिक कंडीशंस हो रही है, सो व्हाट डू यू थिंक. ऑल्सो मैं देख रहा हूँ कुछ सारे ब्रांड्स ने फ्री डिलीवरी खत्म कर दी ऑलमोस्ट. आई डोंट नो के पता नहीं तुम ये बैठे ना, इन्होंने की थी सबसे पहले. ठीक है, अच्छा यार, ये आप सबसे पहले का फिर आप लेंगे. इसमें एक बड़ा अच्छा सवाल, सबसे पहले बोल पे यार अदाब, मतलब इससे खासे ऑर्डर चल रहे हैं यार. मेरे पास पूरा एनालिसिस. अच्छा, मेरा एक सवाल, लेट मी कंप्लीट. तो डोंट यू थिंक कि इट्स टाइम कि फ्री डिलीवरी अब खत्म कर देनी चाहिए, या एटलीस्ट एक सर्टेन रेंज में होनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत ज्यादा चार्ज करो कस्टमर से, बट एक एटलीस्ट नॉमिनल समथिंग दैट ऑब्वियसली इन रिस्पॉन्स टू अवर सर्विस जो आप चार्ज कर रहे हो. बिकॉज लाइक इस तरीके से कहा कि मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर और हमारे जो सेगमेंट है बिजनेस का, उसका मेजर कॉस्ट वो है ही डिलीवरी. ठीक है, सो डू यू थिंक फ्री डिलीवरी अभी भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? And I think that's a very interesting thing that you brought up. In terms of free delivery, there should be no such thing as a free delivery. I personally feel, reason being is, A, in terms of brand, you cannot survive. B, in terms of as a customer, I'm paying extra to get an additional service, which is aap slots leke aaye. आप लेके आए सेम डे डिलीवरी, नेक्स्ट डे डिलीवरी, 3 days डिलीवरी, 5 days डिलीवरी, एंड यू नो लीव दैट कस्टमर टू डिसाइड. ठीक है, क्योंकि आप एक्सप्रेस डिलीवरी क्यों कॉमर्स पे चले जाएं? आप कहें यार आई विल चार्ज यू 300 रुपीस बिकॉज यार आई डोंट नो, आई थिंक 270-280 का तो पेट्रोल ही हो गया है, तो यार आई विल चार्ज यू 300 रुपीस बट आई विल मेक श्योर दैट ब्रांड डिलीवर्स ऑन दैट प्रॉमिस, ऑन दैट कमिटमेंट. यार मैं आपको आधे घंटे पौने घंटे में ऑर्डर दूंगा. इस वक्त जो कंज्यूमर भी समझने लग गया है कि यार इट हैज अ कॉस्ट. एग्जैक्टली, ठीक है, और एक बड़ी मेजर कॉस्ट है द वे, जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूल, जैसे 280 का फ्यूल हो गया, तो ऑब्वियसली इट कांट बी फ्री एनीमोर. अगेन आई गेस वो आज से तकरीबन 5-4 साल पहले ऑब्वियसली वो इकोनॉमिक कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट थी, फैक्टर्स डिफरेंट थे, इंडस्ट्री भी बिल्कुल नई थी. ऑब्वियसली वी वांटेड टू पुश दिस सर्टेन एलिमेंट, कैसे ठीक है यार आप फ्री डिलीवरी ले लो. यार करंट सिनेरियो के अंदर तो चलो समझ आता है, ठीक है, इसमें पेट्रोल इतना महंगा आ गया तो आता है, लेकिन जिस वक्त में ये फ्री डिलीवरी खत्म करके इस चीज पे हम लोग आए थे ना, मेरे पास पूरा एनालिसिस था और हमने देखा, देखी भाई उसने कर दिया है तो हम भी कर देते हैं, उन्होंने कर दिया तो हम भी, उसकी वजह से जो एक सर्टेन बास्केट, मतलब रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, सब ग्रो कर रहा है, लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो कम हो गए थे. okay. और वो उसी प्राइस रेंज के अंदर आ रहे थे. मैंने 2500 के ऊपर कर दिया, लेकिन उससे नीचे जितना पिछले साल ऑर्डर आया था उसके अगेंस्ट इस साल वो बहुत कम था, तो मैंने बहुत ज्यादा चंक जो है वो लूज करना स्टार्ट कर दिया. अच्छा, नो डाउट ऊपर वाली बास्केट साइज सही हुई, लेकिन अगेन जब मैंने एंड टू एंड कंपैरिजन किया ना, तो वो एक लॉस उसमें था. अच्छा, अपेरेंटली वी डिड नॉट हैव, सॉरी बात कट गई, वी डिड नॉट हैव, व्हाट डू यू थिंक? उसकी रीजन है, मैं बताता हूं. देखो, हमारे पास जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी ना, उसके अंदर वो कॉस्ट इनकर होती थी. तुम्हारे पास जो 2 पीस और 3 पीस थे ना, वर्सेस जो 2 पीस और 3 पीस हम बेच रहे थे, उसमें 1000 से 1200 रुपए का फर्क था. 2 पीस 1500 में आपका मिल रहा था, हमारा 2500 से नीचे नहीं था, तो हम ऑलरेडी वो कॉस्ट बीच में डाल रहे थे. उसके ऊपर भी जब एडिशनल कॉस्ट 100 रुपए की डालेंगे तो फिर इम्पैक्ट आएगा ना. अगर तो एप्पल टू एप्पल हो रहा था ना, कि तुम भी 1500 में दे रहे हो, मैं भी 1500 में दे रहा हूँ, तो 100 तुमने लगा दिया, 100 में लगा दूंगा, तो ठीक है, हमारी कॉस्ट तो कम है. फ्री डिलीवरी होनी चाहिए, बिकॉज द काइंड ऑफ डिलीवरी
is happening in the market, absolutely should be free. ठीक है ना, क्योंकि मुझे 5 दिन वेट करना पड़ा. I'll give you an example कि आप अभी पिज्जा ऑर्डर करो, ठीक है ना, बाय द टाइम द पॉडकास्ट है उससे पहले पिज्जा वाला बंदा खड़ा होगा, मैं कॉल कर रहा हूँ, हम कॉल उठा रहे हो, वो बनाएगा उस वक्त, ही हैज नो आइडिया कि यहाँ पे 4 बंदे ने पिज्जा ऑर्डर किए, मगर वो आटा से लेके उसे मैदा डाल के पूरा डो बना के वो गरम करके और हॉट देगा, गरम देगा, ये खाएंगे हाथ में जलेगा हाथ थोड़ा सा, ठीक. बट कपड़ा जो कि मार्केट जो कि वेयरहाउस रेडीमेड पड़ा हुआ है, फ्लायर में डालना है, सोचने में जैसे एक बारकोड स्कैन करना है, देयर आर 90% प्रोबेबिलिटी, 99% कि वो गलत नहीं होगा. इट टेक्स देम 7 डेज, 5 डेज, इन सम केसेस 15 इवन गेटर सेंस. हमारे पास भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स थी कि हम भी देख के हैरान रह गए. एक तो ये बात, दूसरी बात आई थिंक जो लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्यों देखते हैं, एंड आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन यू, बट जनरली एवरेज ऑर्डर वैल्यू देख के उस पर लगा देते हैं फ्री डिलीवरी, क्या एओवी कितना चल रहा है. वेल एक्चुअली ही इज टॉकिंग अबाउट यू. हां नहीं, जनरली सो वी आई जस्ट टेक इट ऑन मायसेल्फ. सो वी एक्चुअली वांटेड टू अप्लाई फ्री डिलीवरी और हम डर रहे थे कि हम क्या करें, डिलीवरी लगा दें तो फिर क्या होगा, बिकॉज फ्री डिलीवरी इतना कैजुअल हो गया था कि फ्री डिलीवरी डाल दी, यू डोंट इवन नो कि इफ इट हैज एन इम्पैक्ट और नॉट. तो इफ देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल मीन मीडियन मॉड, तो हमने उसमें देखा तो लोग क्या करते हैं, मीन पे लगा देगा, 3-3.5 रुपए एवरेज चल रहा है तो मीन पे लगा दो. इट शुड नेवर बी ऑन मीन. आप जाए शॉपिफाई पे जाए, सर्च करें, देयर इज अ ब्लॉग देयर कि फ्री डिलीवरी का एओवी कितने पे रखना चाहिए, इधर शुड बी ऑन मीन और इट शुड बी ऑन मॉड. सो बाकी खुद सर्च करते हैं, शेयर कर दूंगा यहाँ पे लिंक तो लोगों ने पढ़ना नहीं है, तो खुद लोग जो देख रहे हैं वो जाके सर्च करें, आप देखते हैं कमेंट में शेयर करें, कमेंट में शेयर चलने दो, ऐसे ऐसे कहाँ पे होता है, ऊपर ऊपर होता है कम, इधर है यार. देखो मैं अगेन ये कहूंगा, मैंने नंबर से प्रूफ कर दिया कि ये डिसीजन गलत है, लेकिन तुम्हें पता है हमारे जो फाइनेंस वाले जो लोग होते हैं उन्होंने थाल ली, उन्होंने उसको अपने ईगो पे ले लिया कि नहीं भाई हमने बोला ये लगना चाहिए क्योंकि एक्स ब्रांड लगा रहा है, वाई ब्रांड लगा रहा है, नुकसान हो रहा है, मैंने प्रूफ कर दिया नुकसान हो रहा है. बट उसने अपने मतलब जो है छोटे को बोला कि अगर ये यहाँ से चीज हट गई तो तू अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढ ले. वेरी नाइस. तो बस इस बात के लिए मैं फिर जो है ना बैक एंड पे होना स्टार्ट हो गया. तो मैं यही यही बता रहा हूँ कि दे शुड बी एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, के देखो अगर वो सेल नहीं लगाता तो फिर वो ब्रांड जो सेल नहीं लगाता आप उसका कंपैरिजन करो, समझ आता है. लेकिन एक 1500 रुपए में 2 पीस और वर्सेस 2400 में 2 पीस और उसका फिर अलहदा से कर देना, बड़ा बुरा इम्पैक्ट आता है और आया. अच्छा यार मैं ये जानना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी पार्टनर्स जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ फुलफिलमेंट या इन टर्म्स ऑफ जो आपके इंटीग्रेशंस करते हैं या इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट डेवलपर्स वगैरह, वो इन हाउस होने चाहिए या आउटसोर्स होने चाहिए? पार्टनर्स आजकल बड़े मार्केट के अंदर चल रहे हैं, कौन कैसा है, कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक, क्या उसके ऊपर व्यू? यार आई गेस इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी अपनी ऑब्वियसली स्ट्रेंथ क्या है. ठीक है, अब व्हेन इट कम्स टू लेट्स से फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म के डेवलपर्स, तो अब इट डिपेंड्स कि आपका प्लेटफॉर्म कौन सा है. अगर इफ शॉपिफाई, इट्स मैजेंटो की टीम को पालना वो अपने आप एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो फिर आप वो और कुछ नहीं कर रहे हो, फिर वही कर रहे हो. विच आई फील के इट्स बेटर दैट यू outsource to someone who are expert into that field. तो in terms of platform तो ये है. बाकी obviously जिस तरह logistic partners या इस तरह के जो दूसरे partners हैं, obviously again it depends कि आपकी strength क्या है. अगर आप within city आप खुद delivery कर सकते हैं इस तरीके से. तो बहुत सारे इस तरह से integration वाले भी हैं जो ERP को आपके web के साथ integrate करते हैं, then आपकी वो Omni और fulfillment करते हैं. सब बहुत सारे brands हैं जिनको है, Unity Retail है, एक दो और players हैं market के अंदर. तो कैसा experience है, कभी use किए? यार जिनको तो अभी सो वी आर इन द मिडल ऑफ लाइक सो फॉर एग्जांपल शॉर्टलिस्टिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, लेकिन जिनको से लाइक वी हैव अदर ऑप्शंस आल्सो जिनको के अलावा भी, सो वी आर कंसीडरिंग दैट ऑप्शंस एज वेल. राजा तुम्हारा क्या व्यू है? तुम देखो कभी रिसेंटली ग्रुप पे भी लोग पूछ रहे थे, बेसिकली शायद पूछना चाह रहे हैं लोग, तो क्या व्यू है? सो दो तीन चीजें आपने बीच में पूछी, एक तो आपने ERP की बात की, दूसरा आपने फुलफिलमेंट ऑटोमेशन वगैरह और इन सब चीजों की बात की. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म, एक एक करके मैं आंसर करता हूँ आपके तीन कॉम्पोनेंट्स सॉल्व के. इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म अगेन्स एलेक्स वेरी राइटली साइड यार, इट टोटली डिपेंड ऑन व्हाट प्लेटफॉर्म आर यू यूजिंग. नो प्लेटफॉर्म इज बेटर देन ईच अदर एज फार एज द इट ऑल डिपेंड. इट्स नॉट अबाउट द कार, इट्स अबाउट द ड्राइवर. ओके राइट, आप मैजेंटो रख के भी उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर सकते, जो कि मैजेंटो हैज मच मोर फीचर्स कस्टमाइजेशन अवेलेबल देन शॉपिफाई. सो आप वही वाली टीम आपने हाथी पाला हुआ है बट आपने उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं किया हुआ, इट्स यूजलेस. बहुत इजी लगता है लोगों को शॉपिफाई के ऊपर जाना, विच इज़ वेरी इजी, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी है उसके अंदर, जबकि उसके बरक्स मैजेंटो के अंदर आपको कोडिंग करनी पड़ती है. सो इट ऑल डिपेंड्स. देन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बिजनेस मॉडल.
ऑफ द ब्रांड इटसेल्फ कि आपने इनहाउस करना है या आउटसोर्स. देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर टू दैट. सो फॉर एग्जांपल ही मे हैव लेट्स से इनहाउस टीम, ही मे हैव एन आउटसोर्स टीम. दे बोथ आर डूइंग द राइट थिंग एज फार एज व्हाट द कंपनी विजन एंड गोल इज, व्हाट सॉर्ट ऑफ बिजनेस मॉडल एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर दे आर वर्किंग ऑन, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ एस्पिरेशन दे हैव इन टर्म्स ऑफ फुलफिलमेंट एक्यूरेसी एंड यू नो लीड टाइम टू फुलफिल एटसेट्रा एटसेट्रा. आपने बात की जिनको यूनिटी रिटेल की. Very coincidentally, we are also in the process of reviewing right now, and we also have Jinko, Unity Retail, Smartlane. You know, there are other platforms, Pick Pack, jo hain, Pick and Pack wale. So we have all the. I think I forgot the guy's name. So they Najee. All are Najee. So they all are on the table right now, and we are literally in the process of valuation. Har banda koi na koi feature de raha hai, plus minus. Har banda ek hi cheez offer kar raha hai. So at the end of the day, it all depends. इन तमाम प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त जो मुझे नजर आता है वो ये जो बड़ी कमी है मुझे महसूस होती है वो है इन्वेंट्री सिंक की, वो है ओमनी ऑर्डर एलोकेशन की. सो ओमनी ऑर्डर एलोकेशन हर बंदा कर रहा है, बट द वे एंड द एल्गोज एंड द लॉजिक दैट दे आर अप्लाइंग दैट डिफरेंशिएट्स ऑल द प्लेटफॉर्म. देन कम्स द लास्ट पार्ट व्हिच इज ईआरपी. ईआरपी पाकिस्तान के अंदर आई थिंक बहुत कम ब्रांड्स हैं जो कि बहुत हाई टेक किस्म का ईआरपी यूज कर रहे हैं. ज्यादातर लोग जो लोकल मेड होते हैं जो कि जे डॉट को चाहिए तो एक अलग उन्होंने बना दिया, जेलबरी को चाहिए अलग बना दिया, कैम्ब्रिज को चाहिए तो एक अलग बना दिया. इस तरह के ईआरपी यूज़ हो रहे हैं ज़्यादातर. ऑफकोर्स कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स G365 भी यूज़ कर रहे हैं. आई थिंक सेल्स फोर्स भी यूज़ किया जा रहा है मार्केट के अंदर. सो दैट्स माई टेक ऑन दैट. सो आई वुड गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. प्लेटफॉर्म की अगर बात करते तो एग्री विद राजा कि इट ऑल डिपेंड्स कि आपका स्ट्रेंथ क्या, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ. फॉर एग्जांपल इफ यू कमिंग फ्रॉम अ business graduate background, Shopify makes more sense because आपके technical understanding नहीं है, being a head of e-commerce या director e-commerce. So अगर आपके technical understanding नहीं है, you cannot do the technical audit of the platform yourself. So I think it's better to go with Shopify and not go to Magento because Magento की resources market में available नहीं है. जो resources available हैं वो कितनी अच्छी, उनको check करें balance कैसे करेंगे आप? How do you review the code? आप तो देख रहे फ्रंट पे जो final product आ रहा है, is it syncing, is it not syncing? उसके logs करना पड़ेगा जाके. आपको logs पढ़ने आते हैं नहीं आते? So आपके ब्रांड का एजेंडा क्या है, ब्रांड का ऑब्जेक्टिव क्या है. फॉर एग्जाम्पल फॉर अस सिंस वी आर नो सेल ब्रांड, सो वी कांट रियली स्केल अप अवर सेल्स. सेल ऑफर करके हम अपनी ओवरऑल सेल्स नहीं बढ़ा सकते. सो फॉर अस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑफर अ बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस. Shopify की कुछ लिमिटेशन है. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट पेज के बाद यू कांट डू एनी कस्टमाइजेशन. So for us, Magento makes more sense because of the brand objective, direction we are going. The second part of the question, ERP, I won't comment because I think Raja has really summarized it well. The third part, जो था कि market के अंदर जो integration plugins जो available हैं, I would ask a question. Do you think कि a third party plugin या third party vendor can work as a full time? वो आपके साथ दिल से उस तरीके से काम कर सकते हैं जैसे आपको internal local IT team काम करेगी? It's very difficult because reality of the market is yes. अगर मुझसे पर्सनल पूछेंगे तो बोलूंगा नहीं, कोई नहीं कर सकते. या मार्केट से पूछेंगे बोले कोई नहीं, कोई आपके लिए पर्सनल पे काम नहीं करेगा. बट रियलिटी ऑफ द मार्केट इज कि लोकल आईटी कभी भी आपको उस डेडिकेशन से काम नहीं करती जिस डेडिकेशन से आपके पास यूनिटी रिटेल काम करेगा. बिकॉज आई वर्क विद देम, जिनको रिटेल काम करेगा, बिकॉज दोज पीपल हैव देयर एंटायर सेल्स डिपेंडेंट ऑन योर बिजनेस. सो वो अपनी कस्टमाइजेशन कर देते हैं, वो डिफरेंट वेंडर्स डिफरेंट ब्रांड्स को डिफरेंट सोल्यूशन कस्टमाइज करके दे देते हैं. सो उसकी वजह क्या है? फॉर एग्जाम्पल जरबी की स्पेशल फरमाइश थी, उन्होंने आपके साथ कुछ कस्टमाइजेशन कर दी. कैमरे की कुछ और थी, उन्होंने कैमरे की कुछ और कर दी. सो क्योंकि वो आप इन्वेस्ट किया, बट आपका लोकल आईडी कभी भी उस तरीके डील में जाएगा. वाई? बिकॉज ही इज़ अ डायरेक्ट लाइन टू देयर मैनेजमेंट. तो वो जाके कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कनेक्शन निकाल लेगा. सो आई थिंक मी एंड राजा एक्सपीरियंस वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इन द पास्ट. तो वो डायरेक्ट नहीं होता, वो बीच में आपकी विश लिस्ट और बिजनेस की जो विश लिस्ट होती है वो साइड में रहती है. रमजान सीजन निकल जाता है, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट नहीं होता. रमजान सीजन निकल जाता है, कोई इंटीग्रेट नहीं होता. बैंक डिस्काउंट्स पड़े हुए और आपका पेमेंट गेटवे लाइव नहीं हुआ. सो दिस आल्सो ब्रिंग्स अनदर पॉइंट ना कि यार व्हाई, एक सवाल भी आता है ना, व्हाई रीइन्वेंटिंग द व्हील. एग्जैक्टली. अगर एक फॉर एग्जांपल एक चीज अवेलेबल है, सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो देन व्हाई like usko phir se again wahi design kare aur phir usko apne erp ke andar use. So I guess it's a fixed cost versus recurring cost. Exactly. Question. Exactly. Agar aap recurring cost har mein dena cha rahe hain, that makes more sense for your business, then theek hai. But if you think ki aap 2 mahine mein karke jaise vakas ne kaha na ki
लाइक मेजेंटो एंड शॉपिंग, ये भी वही बात है कि यार इट ऑल डिपेंड्स कि आपके जैसे क्या ना कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है. एंड इट्स द सेम डिस्कशन जो हमने पॉडकास्ट पे भी की थी कि यार ये वही वाली डिबेट है कि एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन, होंडा वर्सेस टोयोटा. ठीक है, एवरीवन हैज देयर ओन यूजर, उसका अपना यूजर है. ठीक है, दोनों के अपने स्ट्रेंथ्स हैं, दोनों के अपनी वीकनेसेस हैं. बहुत सारे लोग हैं जो मेजेंटो यूज करते हैं और जब शॉपिफाई मूव होता है मेरे केस के अंदर मेरी टीम को, तो शुरू में शॉपिफाई समझ ही नहीं आता. मतलब वो क्योंकि मेजेंटो इतना आपको फ्रीडम देता है कि जब आप शॉपिफाई पे आते हैं तो वो उनको घुटने मतलब घुटन होती है कि यार ये तो ऐसे ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, नहीं कर पाएंगे, ठीक है, डिस्काउंट नहीं लगा पाएंगे. एग्जैक्टली, वो द पीरियड आप उसको शॉपिफाई को समझते हो, तो फिर जब आप शॉपिफाई को समझ लेते हो तो फिर उससे अच्छा आपको कुछ नहीं. यार मेजेंटो इजी टू यूज. एग्जैक्टली यार, पेमेंट गेटवे के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा. स्ट्राइप लगाते हैं, वही क्रेडिट कार्ड जो है वो चल रहा है, वही ऑर्डर भी आ रहा है, और वही बाकी पेमेंट गेटवे पे आते हैं तो भाई डिक्लाइन हो रहा है. ये क्या मसला है, मतलब कि क्या क्या सीन है या? So, I would like to take this question first because मैं सिर्फ इसमें बात करके एक चीज वही कहूंगा. बकास ने जो लास्ट माइल के लिए बात की, हाँ एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली वही बात करूंगा. इन द वर्ड्स ऑफ आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर, एब्सोल्युटली जी बकास, एब्सोल्युटली. बिकॉज़ जो पेमेंट गेटवेज लोकल पेमेंट गेटवेज वर्सेस स्ट्राइप की अगर बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट द कस्टमर एक्सपीरियंस. स्ट्राइप आपको देता है वही फील्ड्स, आपके पास जो चार फील्ड्स होती है, नेम, सीवीवी, कार्ड नंबर एंड एक्सपायरी डेट, एज अ होस्टेड चेकआउट की फील्ड आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर. इट्स वेरी कन्वीनियंट. उधर नंबर्स की वैलिडेशन है, उसी पेज का पॉपअप आता है, वहीं से आप कर देते हैं. पाकिस्तान में सर्विस वाला कोई नहीं दे रहा. So we're talking to one of the banks, Bank of Lahore, ने probably hosted checkout की feature के लाते हैं. They have recently started offering, I don't know कि किसने अभी लगाई है, but they are saying कि बहुत सारे लोग लगा रहे हैं. चार पांच बैंक का नाम भेज चुके, मैंने चेक किया, कहीं लगी नहीं. अच्छा, I believe they started और फिर वो सही से हुआ नहीं hosted checkout. In fact, तो मेरा तो उनके तो redirection checkout भी उसमें इतना एक अजीब सा experience है. मैं अक्सर उधर कहीं भी shopping भी कर रहा हूँ तो यार आपने चेकआउट फॉर्म पे अपना फोन नंबर डाला, ईमेल एड्रेस डाला, अब वो रीडायरेक्ट करके फिर वापस उस पे फोन नंबर डाला. सारे डिटेल्स आपको दोबारा, इंस्टेड ऑफ कि वो प्रीफिक्स पहले से उठा ले. एग्जैक्टली, चीज है. अच्छा, ये सारे इंटीग्रेशन पार्टनर का मसला है. एक चीज तुमने देखी, हमारे साथ भी था, मैं सॉरी बात कर रहा हूं. So when I didn't know that much about the checkout gateways optimization और के बारे में, so it's our internal problem. Whoever is our partner, Shopify, Magento के साथ जो भी development कर रहे हैं, because there is a possibility कि आप वो data जो checkout पे लिए उसको parse करके आप direct दे सकते हैं. Through API आप push कर सकते हो. Push कर सकते हैं. Particular form. कर सकते हैं. But documentation में नहीं लिखा हुआ. Exactly. By default, by मैं वही तो कह रहा हूँ. देखिए, मैं अपनी बात लगाएंगे ना. मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा. मैं तो as a customer बात कर रहा हूँ कि वो कहीं 10 जगह पे एम्बेडेड तो है ना, इंटीग्रेटेड. मैं जब किसी बहुत सारी वेबसाइट पे शॉपिंग करता हूँ तो वहां पे मैं देखता हूँ कि यार वो मुझे फिर से फिल कर. तो मैं एक जेनेरिक उस पेमेंट गेटवे की बात कर उनके प्लग कभी के अंदर ही फंक्शनलिटी होनी चाहिए थी कि वो ऑटो लेके जाए. कभी ये इशू आया कि शॉपिफाई के कोई पेमेंट करने की कोशिश कर रहा है और उसे पेमेंट प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं, वो पेमेंट कट गई है, वो लोड कर रहा है और उससे पहले किसी ने उसको क्रॉस कर दिया है तो उसके पैसे कट गए लेकिन आपके पास ऑर्डर ऐसा पेड नहीं आ रहा. यार बहुत, यानी कि वंस इन 100,000 इस तरह को केसेस कोई आ जाता है कोई इस तरीके से. अगेन मतलब उसके अंदर ये तो आई गेस नॉर्मली है, कहीं पे ऑफलाइन पे भी हो जाता है यार कि हम जाते हैं कहीं पे कार्ड हुआ. लेकिन शॉपिफाई के ऊपर जितने भी अभी प्लगइन्स होते हैं ना, अच्छा, पेमेंट पार्टनर्स के, उसमें ये बहुत ज्यादा इशू आ रहा है. मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है. हम लोग भी शॉपिफाई यूज कर रहे हैं, आई एग्री, बड़ा रेयर सा है. लोकल गेटवे की बात कर रहे हैं, लोकल 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 गेटवेज तो यार आना ही चाहिए. वो तो 5-10 आप इस वक्त यू नो फॉर लीगल पर्पसेस आई कैन नॉट मेंशन द नेम, बट आप जितने भी टॉप के बैंक्स उठा लें और उनके पेमेंट गेटवेज उठा लें, अल्हम्दुलिल्लाह फारिग है वो. आई कुड यू नॉट दे आर एब्सोल्युटली फारिग, राइट, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स. अब आप सिर्फ ये अंदाजा लगाएं कि बाहर की कंपनीज आके वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है और अब तो छोटे छोटे वो पेमेंट फिनटेक खुल गए, पे मॉक खुल गए, देयर इज नो बिन रिकग्निशन अवेलेबल विद एनी ऑफ द बैंक्स. सालिक आपको पता है, मुझे नहीं मालूम बकास, राइट? सो देयर इज नो बिन रिकग्निशन. थ्रू बिन रिकग्निशन व्हाट कैन यू नॉट अचीव, द पेमेंट पार्टनरशिप, द अलायंसेस दैट यू कैन डू, द टोकनाइजेशन. यूबीएल के पास है, यूबीएल और एचबीएल के पास है बिन लेवल डिस्काउंटिंग. नहीं, लेकिन उनका क्या शॉपिफाई पेमेंट वो ऐप बनी हुई है? नहीं,
बनवाया फिर शॉपिफाई ने की एक अपडेट अभी जितने भी बैंक्स के बनवाए हुए थे वो सब खत्म हुए सब और आप सिर्फ यूनियन पे जो है वो वेरीफाइड तो एचबीएल भी रीडायरेक्ट करके ला रहा होगा आपको आई थिंक राइट बट एनीवे हैविंग सेड दैट टोकनाइजेशन नहीं है टोकनाइजेशन इज द बेयर मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑन एनी पेमेंट गेटवे एंड दैट इज नॉट अवेलेबल विद एनी ऑफ द बैंकिंग यू नो एंड द थर्ड लेट्स नॉट यू नो फिर आपकी पॉडकास्ट बड़ी लंबी हो जाएगी वैसे हम चार्ज बैक में तो जाए ना Absolutely. हम लोग उसकी वो तो अलग रोना है उसको उसके लिए अलग एक अलग एक वो सेशन करेंगे बैंक्स की माशाल्लाह अगर आप सर्विसेज देखें आई रियली होप आपकी पॉडकास्ट कोई बैंक वाला सुन ले राइट केक भेजेगा आपको आपकी आपको स्पॉन्सरशिप अच्छी मिल जाएगी 3DS आई एम टॉकिंग टू वन ऑफ द बैंक्स उनकी टेक्निकल टीम सामने बैठी है एंड आई एम सेइंग वन क्वेश्चन यू नो लेट्स नॉट फॉर द इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ टाइम लेट्स नॉट डिबेट इट बट वन क्वेश्चन दैट आई वांट टू लीव यू विद इज Yeah, if my card is 3DS secured, right? Up to 3DS 2 भी आ गया जो आ रहा है ना कितने लोगों ने integrate किया. Merchant is by law is not liable for any sort of chargeback provided that he provides the proof of order, the invoice and the delivery challan. Yes. इन तीन के बाद chargeback की कोई गुंजाइश नहीं रहती, right? But I leave you with the thought: What are these banks doing? Nothing. Charging back every single day to the merchant. Exactly. आई थिंक हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए और ये एक पॉडकास्ट कम्प्लीट नहीं हो सकती और इसमें हमें और बहुत सारे कुछ एपिसोड्स करने चाहिए आप लोग अगर स्पेसिफिकली कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं अगर इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं सालिक से सवाल करना चाहते हैं राजा से सवाल करना चाहते हैं वकास से करना चाहते हैं मुझसे करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं इस पॉडकास्ट से इतना ही